केदारनाथ हाईवे पर हुआ खौफनाक हादसा। दिल्ली और राजस्थान से आए यात्रियों की हुई जोरदार भिड़ंत। सड़क में पलट गया पिकअप वाहन। ओवर स्पीड ने कर दिया खेल। भंडारा करवा कर लौट रहे थे बाबा केदार के भक्त। इन दिनों चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है। ऐसे में चारधाम हाईवे भी व्यस्त नजर आ रहा है। रोजाना ही हजारों गाड़ियां हाईवे पर इधर से उधर गुजर रही हैं। उसी कड़ी में राजस्थान से आए कुछ भक्त केदारनाथ में भंडारा लगाकर वापस लौट रहे थे। तभी एक कार में सवार यात्री सोनप्रयाग की ओर जा रहे थे। कार ओवर स्पीड में थी और ऐसे में रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर भटवाड़ी सैंड में 2 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यूटिलिटी वाहन सड़क पर ही पलट गया। वहीं दूसरी तरफ कार के भी परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि राजस्थान की ये यूटिलिटी सोनप्रयाग से वापस लौट रही थी, जबकि दिल्ली से आई कार में यात्री केदारनाथ की ओर जा रहे थे। तभी भटवाड़ी सैंड में दोनों गाड़ियां आपस में जोरदार तरीके से टकराई, जिसके चलते 7 यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही DDRF की टीम मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि केदारनाथ हाईवे के भटवाड़ी सैंड में ये हादसा हुआ। जो यूटिलिटी में जो चालक और परिचालक थे वो थोड़ा घायल हुए हैं और उनको जो है तुरंत जैसी सूचना मिली है उसके वन ऑन टू के माध्यम से इनको जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग लाया गया। और छोटी जो ये मारुति जैन में आए जा रहे थे यात्री जा रहे थे उनको भी हल्की हल्की चोटें लगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं है। आपको बता दें कि हादसे का कारण ओवर स्पीड बताया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद JCB मशीन की मदद से दोनों गाड़ियों को हाईवे से किनारे किया गया। हादसे को देखकर सड़क पर गाड़ियों और यात्रियों की लंबी लाइन लग गई। इन दिनों देश के कोने कोने से भक्तों का सैलाब चारधाम यात्रा में उमड़ा हुआ है। केदारनाथ धाम में भी भक्त लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान से आया यूटिलिटी वाहन केदारनाथ से भंडारा लगाकर वापस लौट रहा था। वहीं वाहन में भंडारे का सामान भी था, लेकिन कार की ओवर स्पीड के चलते ये हादसा हो गया। फिलहाल सभी घायलों का उपचार चल रहा है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।